कोरोना काल के दौर में आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी शिक्षण संस्थान अब राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को निजी शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष बाल सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकारी और निजी संस्थानों को खोलने की अनुमति देने के साथ 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर अपनी बात रखी। जिलाध्यक्ष राठौर ने बताया कि करीब 8 महीने से स्कूलें बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े प्रदेश के लाखों लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकार को उन्हें आर्थिक पैकेज के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दें, अन्यथा आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विद्यालयों के ऊपर आज 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने जो तुगलकी आदेश थोपा है उसको वापस लिया जाए, निजी विद्यालयों को आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, आरटी की बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए, सरकारी जन जो विद्यार्थी कल्याण योजना है उनमें से सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जाए, मदरसा बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान लेवल पर निजी विद्यालयों का अलग से बोर्ड का गठन किया जाए और जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी निजी शिक्षा का अलग से पद सृजित किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों में भूमि रूपांतर की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, पांचवी बोर्ड डाइट के माध्यम से जो प्रतिवर्ष परीक्षा शुल्क ली जाए उसको बंद किया जाए, कोरोना काल में चल रही माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में ली जाने वाली शुल्क माफ की जाए, जब तक विद्यालय बंद हो बाल वाहिनी परमिट और बसों की किस्तों को माफ किया जाए। में बाड़मेर जिले में 775 विद्यालय निजी विद्यालय चल रही है, वो सभी वर्तमान में इस से प्रभावित है। इस सब को लेकर 8 नवंबर को 10 बजे पूरे जिले की शिक्षण संस्थाओं का एक सम्मेलन किसान केसरी के प्रांगण में रखा गया है, उसमें हम आगे की रणनीति तय करेगी। अगर 16 नवंबर तक सरकार विद्यालय नहीं खोलती है तो हम सब एक जगह बैठकर आगे की रणनीति को तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना, हो सके तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सके तो हम गिरफ्तारियां भी देंगे, हो सके तो हम ऑनलाइन जो शिक्षण दिए जा रहे उसको बंद कर सड़कों पर आने का प्रयास करेंगे।